ओके, आप एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको एक डिजिटल मार्केटिंग का बताया था कि आप डिजिटल मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देखें, मेरे टिकटॉक पे पड़ा है और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी पड़ा हुआ है, आप कहीं से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम में वो वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो वो वीडियो पड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर यहाँ पर लिंक लगे हुए तो मैं वो भी बता दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रोड मैप दिया था डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। सबसे बेस्ट वे होता है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं तो सबसे सिंपल और सबसे आसान चीज़ है अमेजोन एफिलिएट का अकाउंट मिलता है, अमेजोन एसोसिएट्स का, आप उसको ज्वाइन करें, उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के रिव्यू करें, उसको यानी कि जो ब्लॉगिंग मैंने आपको बोली है ना डिजिटल मार्केटिंग में ब्लॉगिंग करें, आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दें एफिलिएट ब्लॉगिंग। आप नीचे ऐसे सिलेक्ट कर लें जिसमें आप एफिलिएट की ब्लॉगिंग करें, यानी एफिलिएट के रिलेटेड आप रिव्यूज लिखें, उसमें आर्टिकल्स लगाते हैं, यानी ब्लॉगिंग और एफिलिएट को मर्ज कर दें। ऐसी नीच ना चुने जिसमें आप एक दूसरी नीश हो जिसमें सिर्फ आप कंटेंट प्रोवाइड करें, ऐसी नीश मिले जिसमें आप प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करें, ठीक है, उससे आप एफिलिएट को भी स्टार्ट साथ में ही कर देंगे। और फिर वही आप उस वीडियो को आप डिटेल से देखें, मैं इसमें सिंपल बता देता हूँ, फिर वही तरीका होगा कि आप अपनी ब्रांडिंग करें, आप अपनी वेबसाइट पर काम करें, सारे डेटिस पर काम करें, इसके बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेंगे। इसी वेबसाइट के नाम पर आप सोशल मीडिया पेजेस बना लें, ठीक है, उस पर आप कंटेंट प्रोवाइड करें जो आप इसमें दे दें, आर्टिकल की फॉर्म में, उसमें वीडियो की फॉर्म में दें, उसमें इमेजेस फॉर्म में दें, उसमें आपका साल डेट में उसके भी आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स ग्रो हो जाएंगे, फिर आपका एक बिजनेस का सेटअप हो जाएगा, उस नेम का आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर आपने वेबसाइट स्टार्ट की हुई है जिम के किसी प्रोडक्ट पर, यानी आप जिम के प्रोडक्ट हैं उन पर करते हैं रिव्यूज़ वगैरह, तो कुछ आने वाले दौर में आपकी वो वेबसाइट ब्रांड बन जाएगी कि अगर जिम्स के कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट से लें, इनके सोशल मीडिया से लें, इनके जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ वहाँ से जाकर इनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। उसके बाद फिर आप उसके साथ ईमेल मार्केटिंग का जोड़ दें और इनकम अच्छी खासी जनरेट करते रहें, या फिर वो सिंपल कर लें कि आप वेबसाइट बनाते जाएं और जैसे ही वो वेबसाइट अच्छा खासा अर्न करना स्टार्ट कर दें एफिलिएट मार्केटिंग से, उसको फ़ौरन सेल कर दें और फिर अच्छा खासा प्रॉफिट अपने लिए जनरेट कर लें। अल्लाह हाफिज़।